दोस्तों, रामटेक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने आईटी सीबीटी पेपर जो कि भी अगस्त 2022 में कराया गया था, उसी का एक मॉडल पेपर है। इससे पहले भी मैंने एक मॉडल पेपर का सेट दिया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम दूसरा सेट की बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं वो यहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ दो ईयर का होता है जिसमें क्या होते हैं, हमारे टेट थ्री का क्वेश्चन होते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन होते हैं, और इम्प्लायमेंट स्किल क्वेश्चन होते हैं जिसमें टेट थ्योरी के 38 क्वेश्चन होते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन और साथ में ही इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 क्वेश्चन होते हैं, और इम्प्लायमेंट स्किल के 25 क्वेश्चन होते हैं। इनका भी टाइम डिवाइडेड होता है, इसमें प्रत्येक अंक क्या होता है, 2 अंकों का होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, ये हमारे पास डीसी जनरेटर बना हुआ है। तो इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है, तो इस डीसी जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, ई आर्मेचर हो गया। आर्मेचर के सीरीज में सीरीज वाइंडिंग लगी है और क्या लगी है इसमें, संट वाइंडिंग लगी है। लेकिन इसमें देखिए डायरेक्शन क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, यानी सीरीज और संट दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। तो कौन सा होगा यहाँ पे, डिफरेंशियल लॉन्ग संट कंपाउंड होगा, क्योंकि मिक्स है इसलिए इस कंपाउंड हो गया, और जो करंट का फ्लो जो है वो संट और सीरीज में जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए क्या होगा, ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा। अगला क्वेश्चन, जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो हम जनरेटर में जो है ईएमएफ जो जनरेट होती है उसको किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो किस नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा हम जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या क्या नाम है, जिसे चित्र में आपको दिख रहा है। तो ये डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि है, तो इस गति नियंत्रण विधि में इस विधि का क्या नाम है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, सीरीज वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक, उसके साथ आर्मेचर लगा हुआ है, और आर्मेचर के ही पैलर में हमने क्या लगाया हुआ है, एक प्रतिरोधक लगाया जो वेरिएबल प्रतिरोधक है। तो इस प्रकार के जब भी हम आर्मेचर के पैलर में कोई प्रतिरोध लगाते हैं जिससे हम क्या करें, आर्मेचर की धारा को कंट्रोल कर सके, किसको, आर्मेचर की धारा को, इसीलिए कौन सा होगा ये जनरेटर, ये आर्मेचर डाइवर्टर मेथड कहलाएगा, इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो हमारी डीसी फील्ड वाइंडिंग होती है, यानी जो डीसी मोटर में है जिसमें फील्ड वाइंडिंग करते हैं, तो इसमें कौन सा वायर हम उपयोग करते हैं कॉपर का, तो इसको बोलते हैं सुपर इनेमल्ड कॉपर का तार, तांबे का तार जिसको बोलते हैं। तो सुपर इनेमल क्या होता है, जो कॉपर होता है उसके ऊपर बहुत पतली सी लेयर होती है जो हमें वाइंडिंग वायर, जिसको हम वाइंडिंग वायर भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं डीसी मोटर में, अभी इससे पहले हमने क्या था डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से करते हैं। यहाँ पे क्या डीसी मोटर में करंट की दिशा को, यहाँ डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, तो डीसी मोटर में जब करंट की दिशा ज्ञात की जाती है तो इसमें किस नियम से, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें अगर शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट का परीक्षण करना होता है तो हम वहाँ पे यूज करते हैं किसका, एक्सटर्नल ग्राउलर का यूज करते हैं, जो एक ट्रांसफार्मर ही होता है जिसके ऊपर हम करके रख करके हम आर्मेचर की वाइंडिंग की जाँच करते हैं। अगला क्वेश्चन, संट फील्ड कॉइल को डीसी थ्री पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो हमारे जो एसी मोटर होती हैं उसमें विद्युत डिग्री की जो गणना करने का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री इंटू पोलों की संख्या। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आकृति दली एसी कॉइल के नौ का है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग। कहने का मतलब इसका यह है कि जो एसी कॉइल वाइंडिंग है, इस एसी कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है। हिंदी में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है तो इंग्लिश में समझा देते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसी कॉइल, यानी जो एसी कॉइल बनी हुई है इस एसी कॉइल का क्या नाम है। तो इस एसी कॉइल को बोलते हैं होल कॉइल वाइंडिंग बोलते हैं, जिसमें क्या हमारी पूरी पूरी एक कॉइल वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन, छः पोल मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी, यानी कि छः पोल मोटर स्टेटर की डिग्री क्या होगी। तो अभी मैंने सूत्र बताया था कि इलेक्ट्रिकल डिग्री कैसे निकालते हैं, तो 160 इंटू पोलों की संख्या कर देंगे, तो वहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, सी, यानी 1080 डिग्री का सही आंसर आ जाएगा। इसी अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तीन कला केंद्रीय वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है, यानी तीन कला मतलब थ्री फेज सेंट्रल वाइंडिंग जिसको बोलते हैं। तो इसका जो मेन उद्देश्य, जो सबसे बड़ा लॉस होता है, अवगुण जो जिसको बोलते हैं, तो अवगुण क्या होगा इसका, एक स्टेपन फॉर्म की आवश्यकता होती है, विदाउट स्टेपन फॉर्म हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एकल का चरण मोटर को किस प्रकार निर्देशित है। कहने का मतलब है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज स्टेटेड, यानी जो सिंगल फेज मोटर हमारे पास यहाँ दिख रही है ये कौन सी किस प्रकार की मोटर है। तो इसमें क्या है कि देखो, हमारे पास ये आर्मेचर लगी हुई है, एक वाइंडिंग लगी हुई U1 U2, और इसी के साथ में क्या लगा, दो कैपेसिटर लगे हैं, दो का C1 और C2 दो कैपेसिटर लगे, और साथ में इसके क्या लगा हुआ है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा हुआ है। तो रनिंग और वाइंडिंग जो हमारी कॉइल है, इसके साथ में हमें दो कैपेसिटर हैं, इसलिए कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगी। तो इसका क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। अगला क्वेश्चन, किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। तो विच ऑफ सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज इम्प्लाइड। कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार की मोटर में क्या होता है, मोटर टैप्ड यानी टैपिंग के द्वारा मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा का यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो हमें क्या करते हैं, टैपिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एकल चरण प्रेरण मोटर की कार्य सिद्धांत क्या है। तो इसमें क्या होगा, सिंगल फेज मोटर का कार्य सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लेंज के नाम पे, नियम पे कार्य करता है। सिंगल फेज मोटर हमेशा किस नियम पे काम करता है, लेंज के नियम पे। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो सार्वभौमिक जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर, उसका अनुप्रयोग क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप जो ऑप्शन दिख रहा है, जेट पंप पे होता नहीं है, फूड मिक्सर ग्राइंडर। तो यूनिवर्सल मोटर वैसी मोटर होती हैं जो क्या करती हैं, एसी और डीसी दोनों में चलती हैं, समान रूप से चलती हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल मोटर होता है। इसमें कौन से समान, जो हमारे घरों में जो हुए थे, तो फूड मिक्सर ग्राइंडर जो होता है वो क्या, किस में होता है, वो यूनिवर्सल मोटर होती है। अगला क्वेश्चन, हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड। अल्टरनेटर को कैसे रेट किया जाता है, यानी कि जो अल्टरनेटर की रेटिंग की जाती है वो किस में की जाती है। तो उसका सही जवाब क्या होगा, KVA हो, हमेशा की किस में करते हैं हम लोग, KVA में होता है, किलो वोल्ट जिसको फॉर्म होता है, किलो वोल्ट एम्पियर होता है। तो हमेशा अल्टरनेटर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, तो इनका हमेशा किस में करते हैं हम, KVA में ही किया जाता है। अगला, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या प्रकार है, क्या फ़ायदा होता है। तो
तो इसमें रोटेटिंग फील्ड क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि नॉर्मली जानते हैं कि हम फील्ड को स्थिर रखते हैं और आर्मेचर को घुमाते हैं, लेकिन जब हमारी मशीन बड़ी हो जाती है तो क्या होता है कि आर्मेचर को घुमाना बहुत कठिन होता है, तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, फील्ड को रोटेट करा देते हैं। तो फील्ड रोटेट कराने का जो मेन उद्देश्य है, तो इसमें क्या होता है, केवल दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, वो चाहे फेज कितने भी हों, तो केवल दो स्लिप रिंग के कारण ही हमको सारी सप्लाई वहाँ से मिल जाती है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगला क्वेश्चन, इसमें कन्वर्टर, जो कन्वर्टर हमारे पास सामने दिख रहा है, इस कन्वर्टर का क्या नाम है? तो इस कन्वर्टर को क्या बोलते हैं, हम रोटरी कन्वर्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्लिप रिंग है, जब मोटर हमारी आर्मेचर घूमती है तो उसी के कारण हमारा क्या यहाँ सप्लाई चेंज होती है या कन्वर्ट हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रोटरी कन्वर्टर बोलते हैं। अगला, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? तो सिंक्रोनस मोटर जो होती है, कौन सी मोटर होती है जो लोड के अनुसार क्या होती है, घट कम ज़्यादा नहीं होती, यानी फिक्स रहती है, एक समान स्पीड से चलती, चाहे लोड कितना भी ऊपर नीचे हो, तो उन मोटर को क्या बोलते हैं, हम सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। तो इसमें पूछा है सिंक्रोनस मोटर का अनुप्रयोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका कहाँ भी उपयोग करेंगे सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा जो पावर ट्रैक्शन करेक्शन डिवाइस में, जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोटर जनरेटर सेट का क्या लाभ होता है? तो मोटर जनरेटर जो सेट होते हैं, जिसे मोटर के द्वारा हम जनरेटर को चलाकर बिजली उत्पन्न करते हैं, तो सबसे अच्छा लाभ इसका क्या है? तो सबसे अच्छा लाभ क्या होता है, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी हम जितनी स्पीड बढ़ाएंगे या कम ज़्यादा करेंगे उतनी ही आउटपुट हमको क्या नियंत्रित, यानी उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारी डीसी वोल्टेज बढ़ जाएगी, और अगर स्पीड कम करेंगे तो हमारी डीसी वोल्टेज कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन, इस सत्य तालिका को लॉजिक गेट को संदर्भ करती है, तो इसमें लॉजिक गेट दिया हुआ है आपको, तो ये जो सत्यता सारणी जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रुथ टेबल बोलते हैं, तो ये किसकी ट्रुथ टेबल बनी हुई है, तो ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए इनपुट हैं ए जीरो जीरो बी है, वाई बराबर ए डॉट बी होता है, जिसको ए बी लिखा है, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी किसका होता है, तो ए डॉट बी हमेशा किसका होता है, एंड गेट का होता है, और ए प्लस बी किसका होता है, हमेशा किसका होता है, और गेट का होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक सक्रिय घटक कौन सा है? सक्रिय मतलब हो गया एक्टिव कंपोनेंट, इसमें से कौन सा होते हैं, तो एक्टिव कंपोनेंट इसमें से कौन सा होगा, ट्रांजिस्टर होगा, जो एक्टिव कंपोनेंट के रूप में आता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा सर्किट है जो एसी सिग्नल के बिना ही जो इनपुट है वो आउटपुट जनरेट कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑक्सीलेटर सर्किट बोर्ड का, जिसको दोलन सर्किट बोलते हैं। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरीज का क्या नाम है? कंट्रोल वायरिंग में जो एक्सेसरीज आपको दिख रही है, इस एक्सेसरीज को हम क्या बोलते हैं, तो इस एक्सेसरीज को क्या बोलते हैं, हम डेन रेल बोलते हैं, जिसमें क्या उपयोग करते हैं हम लोग, इसी के अंदर हम लोग जो वायर जो वायरिंग करते हैं, तो जो वायर्स होती हैं उनको वायर किसी में इसी के अंदर थ्रू लेकर चलाते हैं, ताकि ये वायर को ढक सके या वायर को एक सिक्वेंस में एक सीधी रेखा में जोड़ सके। अगला क्वेश्चन, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का प्रयोग किया जाता है? यानी हमारे तार पर बहुत सारे तार हैं, उन तारों को आपस में बांधना यानी इनको गुच्छे बनाना है, तो हम आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, लोग पीवीसी टाई का उपयोग करते हैं, नायलॉन टाई का उपयोग करते हैं, या सूती बंध का उपयोग करते हैं। तो सबसे जो बेस्ट होती है वो कौन सी होती है, नायलॉन टाई होती है, जो हमारे सबसे बेस्ट होती है। पीवीसी जो होती है थोड़ा हार्ड होती है तो टूट जाती है, लेकिन नायलॉन क्या होती है, सॉफ्ट भी होती है और लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि काफ़ी समय तक वो बंधी रहती है, इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं, नायलॉन टाई बंध का। अगला क्वेश्चन, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो हमारे जब पैनल बोर्ड होते हैं, जो बड़े बड़े पैनल होते हैं, बड़े बड़े सप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे जब हम पैनल बनाते हैं, तो जब उसकी असेंबलिंग यानी जब उसमें पैनल्स में कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, तो इसमें किस कंपोनेंट को हम नहीं लगाते हैं, तो
कोई भी असेंबली पैनल बोर्ड है, अगर हम इसमें क्या लगा दें, अगर हम सेंसर लगा देते हैं तो सेंसर क्या करेगा, बार बार डिटेक्ट करेगा तो सेंसर को यानी पैनल को बंद कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें सेंसर का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन इंडिकेटिंग लैम्प, संकेतक लैम्प ये लगाना अनिवार्य होता है। आइसोलेटिंग स्विच ये भी लगाना अनिवार्य है, अगर इन्हें लगाएंगे तो सप्लाई नहीं कट कर पाएंगे। पुश बटन या मोटर हो गया, कैसे पैनल हो गया जिसमें मोटर ऑन ऑफ करना हो तो उसमें तो पुश बटन लगाना होता है। तो तीनों नीचे के तीनों तो हम लगा सकते हैं, बट सेंसर को हम उसमें नहीं लगा सकते हैं। अगर सेंसर लगा देंगे तो वो हमेशा वर्क करता रहेगा, तो हमारा वर्क सही से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो इलेक्ट्रिक ड्राइव एक्चुअली क्या है कि एसी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत शक्ति उपकरण है। मोटर एसी इलेक्ट्रिक ड्राइव में दो तरह के ड्राइव आती हैं, एक एसी ड्राइव जिसको बोलते हैं, एक डीसी ड्राइव बोलते हैं। तो एसी और डीसी ड्राइव का मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारी मोटर हैं एसी और डीसी मोटर के, उनके कंट्रोलिंग यानी उनके नियंत्रण को करने के लिए किया जाता है। ये क्या करती हैं, ये सिंगल फेज से हो गई, जैसे सिंगल फेज से थ्री फेज की मोटर हो गई जो एसी में कंट्रोल की जाती है। इसी तरह डीसी ड्राइव जिसको बोलते हैं, डीसी ड्राइव में हम सिंगल फेज मोटर से जो है मोटर को आसानी से उसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं वीएफडी के द्वारा भी बोला जाता है, जो डिवाइस यूज करते हैं इसमें, इसको बोलते हैं वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस जिसको बोलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण का प्रयोग करते हैं, इसी का उपकरण क्या बोलते हैं, वीएफडी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, एसी ड्राइव के बल्ब ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का क्या नाम है? तो ये एसी ड्राइव का एक ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक है। एसी ड्राइव में जो एक्स पार्ट है जो दिखाया गया है, इस एक्स पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको डीसी बस बोला जाता है। ये तो हमारा पास एसी सिंबल हो गया, ये क्या हो गया, रेक्टिफायर हो गया जो उसको रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। रेक्टिफाई करने के बाद क्या करेगा, ये एक डीसी बस बना देगा, यानी कि रेक्टिफाई होने के बाद डीसी में कन्वर्ट होगी, तो इसे डीसी बस बोलेंगे इसको। फिर ये डीसी बस क्या करेगी, इसको क्या करेगी, प्लस और माइनस, यानी कि उसको उसमें एसी सिंबल में कन्वर्ट करेगी, और एसी सिंबल किस में करें, मोटर को दे देगी और मोटर हमारी चलने लगेगी। यहाँ से हम इसकी को कंट्रोल कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो वीएफडी होता है, यानी जो डीसी बस होता है, या वीएफडी जो बोलते हैं, वीएफडी जो किस पे काम करता है, उसमें डीसी कंपोनेंट भी लगे होते हैं, तो इसीलिए इसको डीसी भी चाहिए होता है, तो इसीलिए हमका डीसी का कन्वर्जन अनिवार्य होता है। फिर क्या करते हैं, हम डीसी से ऑक्सीलेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं, एसी में कन्वर्ट करके हम मोटर को दे देते हैं। तो हम वहाँ से ऑक्सीलेटर के द्वारा ही हम वहाँ पर फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करके हम मोटर की गति को भी नियंत्रित कर पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को अनुमोदित किया गया है? तो इसका नियंत्रण ड्यूटी यानी कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव जिसको बोलते हैं, इसको नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट तो है, न्यूनतम अनुमत एकल चरक कार्यशील वोल्टेज क्या होगी? तो हमेशा क्या होगी, जब 240 वोल्ट हम नामित करते हैं, इस बीआईएस द्वारा नामित किया गया है, तो जो न्यूनतम मान होता है वो न्यूनतम मान कितना होगा, 228 वोल्ट होगा 240 के अनुपात में, क्योंकि को पता है 5 से 6% क्या होता है, वोल्टेज हमारी अप डाउन हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, 218 होगा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट के 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो इस नियम को हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हमारे पास जो यूपीएस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, निर्बाधित विद्युत आपूर्ति इसका सही आंसर होगा। अब व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द पीडब्ल्यूएम? पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन,
फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए किस प्रयुक्त सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो फोटो वाले यानी पीवी सेल जो होते हैं हमारे पास, जो जिनको हम बोलते हैं क्या, सोलर सेल भी बोलते हैं। तो सोलर सेल को जो बनाने के लिए मटेरियल उपयोग करते हैं, तो उस किस मटेरियल का उपयोग करते हैं सबसे ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा किसका, सिलिकॉन का उपयोग करें, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। अगला, पारस्परिक बिजली उत्पादन कौन सा है? तो इसमें क्या है, जिसको पारस्परिक बोलते हैं, इसको कन्वेंशनल पावर जनरेशन। तो इसका पावर कन्वेंशन कौन सा होता है, उष्मीय शक्ति उत्पादन, यानी ऐसा उत्पादन जो अगर हम करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, तो उसमें ईंधन क्या ख़त्म हो जाता है, दोबारा वापस नहीं मिलता है, तो ऐसे उनको क्या बोलते हैं, पारस्परिक बिजली बोलते हैं या कन्वेंशनल पावर बोलते हैं उनको। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उष्मीय शक्ति उत्पादन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, IE नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? तो IE स्टैंडर्ड जो बोलते हैं उसके अनुसार क्या, मध्यम वोल्टेज घरेलू यानी जो हमारे डोमेस्टिक में उपयोग करते हैं, ठीक है, मध्यम वोल्टेज में जब दो चालक होते हैं उनके बीच का इंसुलेशन जो होता है वो कितना रखा जाता है, तो हमेशा क्या है, 1 मेगा ओम से अधिक रखा जाता है। अगर हम 1 मेगा ओम से कम रखेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइन्स को जलने का डर रहेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी मध्यम वोल्टेज घरेलू लाइन का इंस्टॉलेशन करें तो दो चालकों के बीच का इंसुलेशन हमेशा 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, OH लाइनों के उपयोग के लिए जाने वाले इंसुलेटर का क्या नाम है? OH होता है OH लाइन, ऑर्डनरी हाई लाइन बोलते हैं जिसको। तो इसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जैसा डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम में क्या है, सेकल इंसुलेटर बोलते हैं, जिसका मेन उद्देश्य ही होता है कि अगर मोड़ है कहीं पे, किसी लाइन को मोड़ना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने से और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण होता है? तो इसका सबसे बड़ा स्पार्किंग से बचने के लिए करते हैं, ताकि स्प्रिंग जो है हमारी उस वायर गैप को कम कर सके और उस पर ब्रश आसानी से घिस सके, ताकि स्पार्किंग भी हमारी कम हो सके। रूलर और कंपास, अब यहाँ पे हमारे क्या हैं, टेट थ्योरी के क्वेश्चन जो हैं वो 38 क्वेश्चन थे, वो ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लोग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो यहाँ रूलर और कंपास की सहायता से कितने डिग्री का कोण बनाना संभव नहीं है, इसमें से हम बता, इसमें ये बताना है कि कंपास और रूलर की सहायता से इसमें कितने डिग्री का कोण हम नहीं बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 67.5 डिग्री का जो है इसका कोण हम नहीं बना पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल लीड सबसे कठोर होती है? तो इसमें HB है, B है, H है और F है। तो इसमें हमेशा जो हार्ड होती हैं वो हार्ड पेंसिल लीड यानी कठोर की बात कर रहा है। तो इसमें हार्ड मतलब H होती है, H पेंसिल जो होती हैं, जितने भी H नाम से होती हैं, H हो गया, 2H हो गया, 3H हो गया, तो ये सारी पेंसिलें कितनी होती हैं, हार्ड होती हैं। और जो B होता है, B या B सॉफ्ट के लिए होता है, और H भी जो होता है सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन होता है, जो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो B और H हमेशा किसके लिए उपयोग करते हैं, ड्राइंग के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेपर आकार के इंजीनियरिंग पद्धति में निम्नलिखित में से कौन से A2 आकार के होते हैं? तो इसमें भी ये बताना है आपको, जो A2 आकार का जो पेपर होता है इंजीनियरिंग में, तो उसका साइज क्या होता है? तो इसका एग्जैक्ट साइज क्या होता है, 420 mm × 594 mm होता है। इसका सी राइट आंसर होगा। BIES की संस्तुति के अनुसार अक्षरों का झुकाव कितना होता है, कितने डिग्री का होता है, यानी जब अक्षर लेखन हम करते हैं, अक्षर लेखन के समय जो अक्षरों का इटैलिक में जो जिसको बोलते हैं, तो इटैलिक में हम उन अक्षरों को कितने डिग्री पर झुकाते हैं, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 75 डिग्री पर। नीचे दिए गए चित्र में A से मार्क की गई रेखा का क्या नाम है? तो जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में यहाँ पे जो A मार्क है, जो इस लाइन को बोलते हैं, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, हमेशा लीड रेखा बोलते हैं। लीड रेखा मतलब होती वो रेखा होती है जिससे हमारी पूरी ऑब्जेक्ट हमारा कवर होता है। अगला क्वेश्चन, 1 mm² पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का मानक क्या होता है? तो 1 mm² होता है वो किसका होता, यानी 1 mm² कितना होता है, एक इस शीट का होता है, A0 का होता है।
अगला क्वेश्चन, संतुलन का उदाहरण, किस अवस्था में शंख अपनी नोक पर विश्राम करता है। अभी यहाँ से क्या है, अगला क्वेश्चन, यहाँ से हमारे जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस के 6 क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संतुलन का उदाहरण, किस अवस्था में शंख अपनी नोक पर विश्राम करता है। कहने का ये मतलब है कि संतुलन, शंख की ऐसी संतुलन व्यवस्था बताइए कि अगर उसको नोक के बल खड़ा कर दिया जाए तो वो क्या रहे, एक जगह पर स्थिर रहे। तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इस अवस्था को हम बोलते हैं अस्थिर अवस्था। यानी कि हम क्या, अगर उसको नोक पे खड़ा करेंगे तो वो कभी भी खड़ा नहीं होगा, इसीलिए उसकी वो उस अवस्था को बोलेंगे अस्थिर अवस्था बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन, चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारे सर्कल होता है उस सर्कल में जो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा चाप होता है उस सबसे बड़े चाप को हम क्या बोलते हैं, तो उस सबसे बड़े चाप को कहते हैं व्यास बोला जाता है। व्यास ही जो होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर व्यास को दोगुना कर देंगे तो हम लोग क्या, तो पूरा एक सर्कल बन जाती है। अगला क्वेश्चन, यदि परिधि क्या हो, 31.4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिधि, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि जिसको बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर कितना दिया हुआ, 31 दिया है, तो डायमीटर कितना वृत्त का, 2πr होता है। 2πr बराबर कितना होगा, 31.4 सेंटीमीटर। तो वहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए, तो जो r की वैल्यू आएगी, ऑब्जेक्ट वैल्यू कितनी आएगी, वो कितनी आएगी, b, यानी कि 10 सेंटीमीटर आएगी। अब इसको करके देखिए तो आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, 5a² b इंटू 8a की पावर 5 b की पावर 3, तो इसमें क्या है, इनका गुणनमान क्या होगा, तो इसको गुणा करने पर, तो गुणा करने का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर जो नंबर्स हैं वो गुणे में हैं तो अगर वो नंबर्स को गुणा कर दीजिए, तो 8 और 5 40 तो हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब जो ए वाले हैं उनको गुणा कर लेंगे। तो ए वाला देखिए गुणा करिए कितना आएगा, तो ए में जब भी गुणा होता है, हमने पढ़ा नियम कि जब भी पावर में कोई भी हो है, एम की पावर एन इंटू एन की पावर एन है, तो हमेशा क्या करते हैं, पावर एम प्लस एन हो जाती है, तो हमेशा पावर उसमें जुड़ जाती है। तो ए के साथ देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 × 5 तो कितना हो गया, 7 हो गया। इसी तरह बी का 1 हो गया और बी का इधर 3 हो गया, तो 3 × 1 = 4, तो इसका क्या होगा, ए की पावर 7 और बी की पावर 4, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर इसका सही होगा। इसी तरह 0 की घात में उठाए गए किसी भी अंक का मान क्या होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाती है तो उसका मान कितना होता है, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 हो जाता है। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हुआ तो उसका मान सदैव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, a³ - b³ का जो विस्तार है वो क्या होगा। तो a³ - b³ का विस्तार होता है a - b, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab होता है, इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है, इसमें से थर्मोप्लास्टिक सामग्री कौन सी है। तो इसका जो विनाइल पॉलीमर जिसको बोलते हैं हम, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक सामग्री है, जो क्या करता है, थर्मल रेजिस्टेंस भी कह एक तरह से कर सकते हैं कि थर्मल को रोकता है। अगला क्वेश्चन, जैसे तैसे अपनी आगे बढ़ती हमारे काम करने का तरीका। अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन क्या, 25 क्वेश्चन हमारे एम्प्लॉयमेंट स्किल के होंगे। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे तैसे तकनीकी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका भी क्या होगा, वो परिवर्तन अंडरगो चेंज होगा, यानी परिवर्तन सिग्रोनो होगा। अगला क्वेश्चन, इसका बी आंसर होगा सही, अ पर्सन कैन गेट अ प्रोमोटेड बाय बेस्ड ऑन दियर स्पेस एंड, एक व्यक्ति अपने और के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करता है, तो पदोन्नति कब उसको मिलती है, उसकी योग्यता और अनुभव, यानी कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अनुसार उसकी पदोन्नति होती है। अगला क्वेश्चन, द वर्क अंडरटेकन बाई अ पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो वर्क अंडरटेकन अ पर्सन पीरियड, यानी उसके जो पीरियड में कॉल, उसको टाइम के क्या बोलेंगे, तो उसके टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका जॉब बोलेंगे, यानी कि जो जॉब कर रहा है उसको कॉल जॉब बोलेंगे।
वेन अ कारपेंटर मेक अ वुडन चेयर एंड गेट पेड फॉर इट इट इज़, तो उसका क्या है कि अगर कोई कारपेंटर है वो क्या कर रहा है, एक वुडन चेयर बना रहा है और उसको उस पर पेड कर रहा है यानी किसी को पैसे बेच रहा है, तो उसको क्या है उसका ये जॉब है। ए इज़ अ वन ऑफ द वे ऑफ रीच योर गोल, तो इसका क्या होगा जॉब और करियर, अ जॉब इज़ वन ऑफ द वेज टू रीच योर करियर गोल्स, इसका ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कम्स टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉट दिस सेंटेंस इज, तो इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है, तो इसको बोलते हैं इम्परेंटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसको, ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं तो इसको आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका इसके भी काफ़ी सारे लिंक मैं आपको दे दूंगा लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसको इम्प्लॉयमेंट स्किल के सारे क्वेश्चंस पढ़ पाएंगे। एंड व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, तो इसमें क्या होगा आंसर इसका सी फॉर्मल होगा, ये फॉर्मल टाइप का एक इंट्रोडक्शन लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, इफ़ यू मीट योर सुपरवाइजरी इन द ग्रोसरी स्टोर यू विल, अगर आप अपने सुपरवाइजर को ग्रोसरी स्टोर में मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, ग्रेट हिम हर फॉर्मली या ग्रेट हर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या सुपरवाइजर मेल फीमेल भी हो सकता है, तो उसी के हिसाब से इसको लिखना है, या तो ग्रेट हिम करेंगे या तो या हर फॉर्मली करेंगे, इसका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, टेबल वायर सॉकेट केबल हैमर नेल पाइप मोटर रेजिस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, नेमिंग वर्ड हैं, एक तरह के किस प्रकार के वर्ड हैं, ये नेमिंग वर्ड है, इसका आंसर राइट होगा। व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड द और आउटसाइड द आईटीआई इट इज़, अगर आप किसी इंस्ट्रक्टर से आईटीआई के अंदर या आईटीआई के बाहर मिलते हैं तो ऑलवेज अ फॉर्मल यानी कि उसको एक साधारण उसमें मिलते हैं, इसलिए इसका एक इसका होगा राइट आंसर होगा। मिसकम्युनिकेशन कैन बी लीड टू, गलत संचार के लिए कौन सा कारण होता है, यानी अगर हम किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, किसी के साथ गाली गलौज करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण कौन कहता है, तो क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी पैदा करना, या कोई बीच में गलत फहमी पड़ दिया तो हमने क्या उससे लड़ाई कर लिया, उसके साथ गलत बातें कर ली, तो इसका बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर कॉल्ड, जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो हम प्राइमरी डिवाइसेस क्या बोलते हैं, रैम और रोम बोलते हैं, जिन पे हमारा डाटा रन करता है, बाकी जो डीवीडी है सीडी है यूएसबी क्या है, ये सब सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं। अगला क्वेश्चन, तनाव क्या है, स्ट्रेस व्हाट इज़ द स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या है, तो ऐसी कह सकते हो कि निराशा जिसको बोलते हैं, निराशा निराशा की भावना रखना ही क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है, जिसमें हमारा काम करने का मन नहीं लगता है, या काम किया है कोई काम फेल हो गया तो हमें निराशा होती है उसको बोलते हैं, या उसकी भावना रखना ही तनाव कहलाता, तो हमारा शरीर का तनाव में चला जाता है। अगला क्वेश्चन, पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है, तो हम जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें क्या खुशी तरह का सकारात्मक भावनाएं आती हैं, खुशी खुशी जैसी बात होती है कि हमारे साथ कोई अच्छा काम हुआ तो हमें क्या है खुशी होती है, ऐसे सकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं, इसका डी राइट आंसर होगा। अ पावर पॉइंट फाइल हैव एक्सटेंशन, तो पावर पॉइंट जो फाइल में क्या होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है PPTX होता है, जैसे .doc किसका होता है MS वर्ड का होता है, इसी तरह .xls का होता है एक्सेल MS एक्सेल का होता है, .jpg ये किसका इमेज का एक्सटेंशन होता है, तो इसी तरह .pptx किसका होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं उसका एक्सटेंशन फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसी तरह द क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन चूज, तो एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए हमने किसका उपयोग करते हैं, तो हमेशा कंट्रोल एन का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी न्यू स्लाइड उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन, SVG फाइल मीन्स, SVG जो फाइल का मतलब क्या होता है, तो SVG फाइल का मतलब होता है, ये कह लीजिए कि आप SVG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SVG का स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे ग्राफिक्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं,
तो जो नॉर्मल ग्राफिक्स से अच्छे होते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है। तो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, सभी कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है। तो ऐसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वर बोलते हैं। सर्वर का काम यही होता है कि वो सबसे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जिनको जो जानकारी होती है वो सर्वर उसको प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन, एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो एक सफल उद्यमी होने का एक उद्यमी मानसिकता रखने वाला भी होता है। यदि आप की मानसिकता नहीं है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं या अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप इसको चला लेंगे, तो आप कभी भी सफल उद्यमी नहीं बन सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है तो इसी का एक मानसिकता रखना बहुत ज़रूरी है। बिना मानसिकता के आप कोई भी उद्यम या कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, स्वयं निर्णय लेना उनके बारे में ध्यान से सोचकर का गुण है। तो किसी के बारे में निर्णय लेना और ध्यान से सोचना, तो इस प्रकार के गुण क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जिसको बोलते हैं, स्वयं निर्णय लेना जिसको बोलते हैं, इसका सी राइट आंसर होगा। अगला, ह्यूमन रिसोर्सेस आर मानव संसाधन कौन कौन से हैं। तो मानव संसाधन इसके ऑप्शन देखो, आपके पड़ोसियाँ तो नहीं हो सकते, आपके कर्मचारी और अन्य सहायक ये हो सकते हैं, आपके ग्रह आपके कंपटीटर या के प्रतियोगी जो हैं जिसको बोलते हैं कस्टमर, वो नहीं हो सकते। तो आपके इसमें जो कर्मचारी हैं और जो सहायक कर्मचारी हैं वही क्या कहलाएंगे, आपके मानव संसाधन जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, जो आपके फैक्ट्री या उसमें काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रिसोर्स नहीं है, तो कच्चे माल पहला है, रॉ मटेरियल हो गया, पहले डेटाबेस ये हो गया, और प्रॉफिट एंड अर्न हो गया, एंड योर बिड। तो इसमें क्या बताना है आपको, इसमें कौन सा संसाधन नहीं है। तो इसमें देखो, संसाधन कच्चा माल ज़रूरत पड़ेगी, कस्टमर डेटाबेस वो भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न ये भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन योर बेड यानी बिस्तर, आपका जो बिस्तर है वो आपका संसाधन नहीं है, आपके सोर्स का, रिसोर्स का, यानी रिसोर्स का मतलब ये हो गया कि आप जैसे जॉब कोई फैक्ट्री डाला हुआ है, तो उस फैक्ट्री में बाकी चीज़ तो ज़रूरत पड़ेगी, बट आपके बेड की थोड़ी ज़रूरत है वहाँ पे, तो इसीलिए इसका इसमें ये पूछा है कि नहीं है, तो आपका इसमें बेड होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सर्कुलम वीटे यानी कि सर्कुलम वीटा जिसको हम लोग CV बोलते हैं, तो CV के रूप में किसे जाना जाता है। तो CV के रूप में देखो, लीव एप्लीकेशन हो गया, या जॉब एप्लीकेशन हो गया, रिज्यूम हो गया, या करियर पोर्टफोलियो, तो हमेशा CV यानी कि जो पर्सनल डेटा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, तो उसमें हमेशा किसको उपयोग करते हैं हम लोग, रिज्यूम को उपयोग करते हैं। करियर पोर्टफोलियो में हम क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में होता है, जॉब एप्लीकेशन या कोई जॉब नौकरी का आवेदन कर रहे हैं तो उसमें करते हैं, छुट्टी का कोई आवेदन होता है तो हम लीव एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन जो हमारा पर्सनल डेटा होता है जिसको बोलते हैं हमने क्या किया है, तो उसको हमेशा किस में रखा जाता है, रिज्यूम में रखा जाता है। तो यहाँ पे अभी सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखें, हम यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट जो जनरेट आया था इनका, 3/10/2022 को NIME द्वारा जो है जनरेट किया गया था। तो यहाँ पे आपको जैसा वीडियो लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाए, और इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें साथ में। धन्यवाद।